फरुखाबाद में युवक का रेलवे ट्रैक के किनारे शतविक्षित अवस्था में हाथ पे रस्से से बंधा झाड़ियों मिला शव। युवक कल गया था जानवर चराने, देर शाम तक वापस न आने पर परिजनों ने की खोजबीन। आपको बता दें, सोच करने गए लोगों ने झाड़ियों में शव पड़ा देखकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने कसाई पर 5 भैंसों को ले जाने युवक की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर शव फेंकने का लगाया आरोप। क्या नाम है आपको? कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह, कहाँ पर जाना है आप? मोजा नथुआपुर के। अच्छा, जो घटना घटी, क्या घटना घटी है? अब जो घटना पता नहीं क्या घटी, जो कल भैंस चुमाओ ना हो तो। कौन? रामपाल। कितनी उम्र है इसकी? उम्र भी 45 साल। फिर क्या स्थिति है इसकी? भैंस चुमा रहा, भैंस बताओ खी गई इसकी, तो रात भैंस ढूंढ रो ही जो घर ही वो घर से पता नहीं क्या वो क्या नहीं वो लोग का भाई ढूंढी और लोग घर गएंगे। तो मृत अवस्था मिलो है? हाँ, मृत अवस्था मिलो। तो क्या परिजन, क्या है हत्या का आरोप लगा रहे, क्या कह रहे हैं? अब पता नहीं परिजन, तो बात नहीं भाई मेरी, उनसे बात हो तो बताई जाए। ट्रैक के किनारे एक अधेड़ का शव मिला था, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, क्या पूरा मामला है? ये थाना कमालगंज क्षेत्र के अंतर्गत जो रेलवे ट्रैक है उसका पिलर नंबर 114 है, उसके पास में एक डेड बॉडी मिली थी जिनका नाम, जिनकी पहचान रामपाल सन ऑफ द्वारका के नाम से हुई, उम्र करीब 45 और ये भोरा नगला के रहने वाले हैं। इसमें डेड बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है और जो पैनल है और वीडियोग्राफी के साथ उसका पीएम करवाया जाएगा। जितने भी एविडेंसेज हैं यहाँ के लोकल, वो हमारी फील्ड यूनिट के द्वारा ले लिए गए हैं। परिवार वालों के द्वारा जी हत्या की आशंका जताई गई है, उस क्रम में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया जी। उस प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसका जो आगे का इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है। इसमें जो भी एविडेंसेज आगे आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, कितने आरोपियों के नाम है उसमें? उसमें एक नामजद 22वां दिया गया है और अन्य उन्होंने कुछ अज्ञात हैं जो जी लिखवाए हैं। कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं, डिटेन किया गया है जी। और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, सारे एविडेंसेस को देखा जा रहा है, जो भी सही आएगा, जो भी चीज़ सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई। घटना स्थल पर ही पुलिस की मौजूदगी में एक युवक को भी परिजनों के द्वारा कुछ पीटा गया था, क्या आप कुछ की शनाख्त हो पाई, क्या कौन था वो? मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो डिटेन किया गया है वो उसी को डिटेन किया गया है और उसके ऊपर घर वालों के द्वारा आशंका जताई गई है कि उनके द्वारा एक घटना कारित की गई है, तो उसके संबंध में जितने भी बाकी एविडेंसेज हैं उनको करेक्ट किया जा रहा है।